हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बेसिकली यार इतने दिए भाई साहब, मैं मैसेज देखते थक गया कि मैंने ऐसा क्या काम किया कि मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं क्लास कर रहा हूँ और इंस्टा पे बेसिकली मेरा नोटिफिकेशन ऑन रहता है, तो मुझे इतने सारे मैसेज का नोटिफिकेशन क्या आ रहा है। और बेसिकली हमारे क्लास में मैम हमसे क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मुझे वहां ध्यान देना पड़ा। तो जब क्लास खत्म हुआ तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं फेमस हो गया? नहीं, इतने भी अच्छे दिन अभी तक नहीं आए कि मेरा कोई वीडियो वायरल चल जाए और मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊं। 300 तो फॉलोअर नहीं हो रहे इंस्टा पे। अगर आपने अभी तक नहीं किया मुझे इंस्टा पे फॉलो, कर लो यार प्लीज। तो क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। जब मैं इंस्टा ओपन किया और मैसेज पे चेक किया तो समझ में आया मुझे कि आपका एंड सेमेस्टर आ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो आप लोगों को शायद फायदा कर जाए आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलते और वीडियो शुरू करते, इंट्रो। सबसे पहले तो मुझे उन लोगों से पूछना है जिनको एंड सेमेस्टर में अभी भी डाउट हो रहा है, तुमने यार मिड सेमेस्टर दे दिया। जब मैंने वो मिड सेमेस्टर पे वीडियो बनाया था, मुझे लगा था कि अब मुझे बताने का जरूरत नहीं होगा। तो बेसिकली अब मैं तुम लोग को बताने वाला हूं कि मिड और एंड में क्या डिफरेंस है। मिड है, एंड है। क्या जोक मारा ना। ठीक, चप्पल मत निकालो, अच्छे से बता रहा हूं। तो देखो, तुम्हारा मिड सेमेस्टर मिड सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन होते, 2 मार्क्स कैरी करता है। एंड सेमेस्टर में 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स कैरी करता है, 14। ओके, तो उसके बाद सेक्शन बी मिड सेमेस्टर, तुम्हें 2 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से एक अटेम्प्ट करके अपलोड करना रहता। एंड सेमेस्टर, तुम्हें 4 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और उसे सबमिट करना है। मिड सेमेस्टर में तुम्हारा सेक्शन बी में एक क्वेश्चन कैरी करता था 10 मार्क्स, तो 10 10 20। एंड सेमेस्टर में सेक्शन बी में तुम्हारा एक क्वेश्चन कैरी करता 12 मार्क्स, तो 12 × 3 = 36, 14 + 36 = 50, तो 50 + 20 तुम्हारा 70 मार्क्स और 30 नंबर तुम्हारे टीचर के हाथ में। तो बेसिकली ये तुम्हारा 100 मार्क्स हो गए जो हर सब्जेक्ट में होता है। उसके बाद किन सब्जेक्ट का तुम्हारा एंड सेमेस्टर होगा तुम लोग को पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ाने के लिए मैं फिर से बताऊंगा। तो अगर तुम्हारा स्कीम 1 है तो तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे, सॉरी भूल गया था, तो तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, बी, एसी और मैथ्स, सॉरी। और अगर तुम्हारा स्कीम 2 है तो तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे केमिस्ट्री, बायो, पीकॉम, मैथ्स। ओके, बाकी का नहीं होता है क्योंकि तुम्हें टाइम टेबल मिल गया, तुम्हें ये बात पहले से पता है। अगला सवाल जो तुम लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा है मेरे से कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी कैसा होता है। मिड सेमेस्टर डिफिकल्टी इज इक्वल टू एंड सेमेस्टर डिफिकल्टी, बेसिकली क्वेश्चन का डिफिकल्टी सेम होता है। जब मिड सेमेस्टर में मुझे ज्यादा एमसीक्यू आते थे सेक्शन ए में, लेकिन मैं ये चीज नोटिस किया हूं कि जब एंड सेमेस्टर में एग्जाम दिया तो वहां पर सेक्शन ए में जो बेसिकली हमारा जैसे क्या है उप्स, जो बेसिकली तुम लोग का तो है नहीं, प्रोग्रामिंग का कोई नहीं है तो तुम लोग बता ही दो। उसके बाद डीएमएस, तो बेसिकली उसमें देखो मिड सेमेस्टर में बेसिकली सब एमसीक्यू थे, लेकिन इस बार सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन में से मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं टाइप कर रहा था कि इसका फंक्शन क्या होगा, टाइप करो, उसका ये क्या होगा, ओहो टाइप करो, टाइप करने वाले थे और टाइप करने में टाइम लगता है और एग्जाम में तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना है। तो अब मैं तुम लोग को क्या ही बताऊं, अगर तुम्हें और अच्छे से डिटेल में जानना है तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ जो मैंने मिड सेमेस्टर में बनाया था, वो जाके देख लो, सेम वैसे ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो गए इस बार। ओके, तो एक चीज और मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ऐसा बहुत गलती होता है और मैं नहीं चाहूंगा यार तुम लोग भी वो गलती करो। सेक्शन बी में तुम्हें 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से तुम्हें 3 अटेम्प्ट करना है और अपलोड मारना है, तो तुम लोग कृपया ये काम मत करना। 3 क्वेश्चन है तो मैं ऐसा करता हूँ ना, पहले तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ,
उसके बाद फिर एक एक करके तीनों क्वेश्चन का फोटो क्लिक करूंगा, पीडीएफ बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। सिंपल, ये काम मत करना, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं ना क्यों। दो क्वेश्चन तुमसे हो गए, जल्दी हो गए, 40 मिनट में हो गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि देखो सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स हो सकता है, और इसमें टाइम लग गया। जब तक तुम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, तुमने चेक किया, भाई साहब सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है, कैसे होगा? और तुम पैनिक करोगे, और पैनिक ही में गलती होता है। मेरा एक दोस्त से गलती हुआ था, उसने मैथ्स के एग्जाम में केमिस्ट्री अपलोड कर दिया। तालियां पहले बजाइए अरे उसके लिए। कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग ताली बजा रहे हो? लिखो यार कमेंट में। तो वो गलती मत करना। क्या कर सकते हो, तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन वन कंप्लीट हुआ, फोटो क्लिक करो, अपलोड करो। क्वेश्चन टू कंप्लीट हुआ, फोटो खींचो, अपलोड करो। क्वेश्चन थ्री कंप्लीट हुआ, फोटो खींचो, अपलोड करो। तीन क्वेश्चन अपलोड हो गए, सबमिट करो। ओके, तो एक और मेन कारण है जिस वजह से मैं मना किया हूं कि तीनों क्वेश्चन का लास्ट में क्यों नहीं फोटो खींचो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। साइट क्रैश कर गया, टाइम खत्म हो गया, इस कारण से तुम्हारा कुछ भी अपलोड नहीं हुआ। किसका घाटा? तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। फिर अब जितना पड़ेगा यार मेरे को। इसीलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट, फोटो क्लिक अपलोड, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, फोटो क्लिक अपलोड, तीसरा फोटो क्लिक अपलोड सबमिट। उसके बाद आराम से ऐसे करके बैठना, अगला पेपर का तैयारी करना। फिर तो यही वो सारे टिप्स थे जो मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए, जिसमें से लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर तुम्हें और भी डिटेल में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ अपने मिड सेमेस्टर वीडियो का, तो वो जाके देख लेना, अच्छे से सब कुछ उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं सिर्फ 29 रुपीज में। क्या फायदा, मेंबर ओनली व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। अब ये तो आपका डिसीजन है कि आपको मेंबरशिप लेना है या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करिए और बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय, जय हिंद दोस्तों। गया मेरा चैनल अब। It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.